पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच आज उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में इस वर्चुअल कार्रवाई की और इसके तहत श्रद्धा सुमन अर्पित किया जो दिवंगत नेता थे, जिसमें लालजी टंडन, कीर्तन चौहान सहित जैसे तमाम जो मंत्री थे और उनको लेकर के जो गरिमामय पद को लेकर के था, जिन्होंने कोरोना से जिनकी मौत हुई और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो आपको बता दें कि विधान भवन में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। हाथ में तख्ती के साथ ये सभी योगी आदित्यनाथ सरकार विरोधी नारेबाजी की। सदन में 65 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में मास्क और ग्लव्स के साथ प्रवेश दिया गया। वहीं सदन की शुरुआत में सीएम योगी ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चेतन चौहान ने एक शानदार क्रिकेटर के रूप में और उसके बाद एक कर्मठ और लोकप्रिय जननेता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। श्री चेतन चौहान के निधन से समाज, सरकार व खेल जगत की पुण्य क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने और शोक संत परिजनों तक सदन की भावनाओं को पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के ही सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही का 2 मार्च 2020 को लगभग 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनका निधन हम सबके लिए दुखद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को लगभग 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री लालजी टंडन के निधन से प्रदेश की राजनीति में एवं पार्टी की पुण्य क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं।